आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो दो बेहतरीन नोटिफिकेशन आयोग की ओर से जारी हुए हैं, दोनों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स रेवेन्यू की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी डेट आ गई है। दूसरा, लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक साइंस की जो एग्जाम है उसके एग्जाम की जो शेड्यूलिंग है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है आयोग की ओर से, तो दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं जो कि ईओ और टैक्स रेवेन्यू का है। तो आप देख सकते हैं 20 मार्च 2024 को इसका रिजल्ट आया था। अभिलेख सत्यापन के लिए जो है 1 अप्रैल से जो है डेट जारी है। पहले दिन 60 अभ्यर्थी आप देख सकते हैं, मॉर्निंग में आफ्टरनून में 60 अभ्यर्थी, यानी कि कुल मिला के 120 अभ्यर्थी इसमें देंगे। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आपका 2 तारीख तक चलेगा। तो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको लेके जानी है, क्या क्या है आप देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, अटेस्टेंस फॉर्म, इंडेक्स कार्ड, चेकलिस्ट और पासपोर्ट साइज फ़ोटो। बाकी नेक्स्ट में आप देख सकते हैं चेकलिस्ट की अगर बात करें तो ये चेकलिस्ट आप देख सकते हैं जो कि आयोग की ओर से दी गई है, इसी को भर के जो है आपको ले जाना है और जो है आपको सबमिट करना है। देन फॉर्मेट 2, 3, 4 आप देख सकते हैं, वो भी आयोग की ओर से जारी हो गया है। तो आप देख सकते हैं आप ये पूरी लिस्ट है जो कि आपको सारी डिटेल के साथ में यहाँ पर भरना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्क्राइब सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये आप देख सकते हैं। दूसरी है लैब असिस्टेंट रिलेटेड, जहाँ पर आयोग ने एक थोड़ा सा चेंज किया है। जैसे कि 31 मार्च 2024 संडे के दिन ये एग्ज़ाम होने वाला था, बट आयोग ने कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए परीक्षा की तिथि 31 मार्च 2024 को परिवर्तित करते हुए नवीन तिथि 26 मई 2024 को रखी गई, यानी कि जो लोकसभा इलेक्शन है उसकी वजह से यहां पर जो है डेट में चेंज हुआ है। अब ये जो नेक्स्ट डेट है आपको लगभग 2 महीने के बाद 26 मई 2024 को देखने को मिलेगी। तो ये 2 छोटी सी अपडेट आयोग की ओर थी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।